एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लॉग विद कविता। और आज की शुरुआत किचन से हो रही है और अभी दोपहर हो रहा है, तो मिलिए। ये टेन टेन आज यूजुअल आपको किचन में ही मिलती हूं, खाना सिखा रही हूं, खाना बनाना सिखा रही हूं आपको किचन में मिल रही है। आज मैं वापस कुछ बना रही हूं। क्या बना रही हूं बता दो। आज मैं बना रही हूं सेजवान राइस, क्योंकि मैंने सुबह मैगीज का वीडियो देख लिया था और मुझे क्रेविंग हो गई थी, तो मम्मी ने बोला खुद बना के खुद खा। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके रख दिए हैं, चावल मैंने बना दिया है, बस फ्राई करना है, मैं बना रही हूँ। मैं कर सकती थी वो सब, बट मम्मी प्रेफर की मम्मी करेगी, क्योंकि मैं स्लो स्लो करती हूँ। स्लो स्लो बिजी थी, गई थी सेजवान चटनी लाने आधा घंटा अपनी फ्रेंड के साथ। यहाँ खाना कब बनेगा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि बोल के गई थी मैं बनाऊंगी। और गाइज यहाँ देखिए, मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इतनी अच्छी से ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, लेकिन पता नहीं वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। मोबाइल में दिक्कत है या क्या है पता नहीं, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। इसे जब मैं वीटा में लेके जाती हूँ एडिट करने के लिए, तब इसमें वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसे नॉर्मल रिकॉर्डिंग जो किया हुआ वीडियोज़ में जाती हूँ तो वहाँ वॉइस आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ सूची ने सारी तैयारी कर ली है, कैप्सिकम, गाजर, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब डाल के फ्राई कर ली है। और उसमें थोड़ा देखो है चिली सॉस, जितना है सब डाल दो, तो पानी से भी धो के डाल दो। नहीं उतना नहीं, बहुत है, ज्यादा नहीं डालना, एक चम्मच डालना बस। चिल्ली डाली है बहुत सारा, पानी से धोके डाल दो। मुझे लगा खत्म हो गया है, जुगाड़ू स्टाइल, जुगाड़ू तो सूची एकदम एक्सपर्ट हो जाएगी अब कुछ दिन में खाने में, और बाहर जाके रहना पड़ेगा तो अपना खाना बना के खा सकती है। यस गाइस, ऑफ कोर्स इसमें सॉस डालो, थोड़ा सा नहीं सॉस मत डालो, सॉस से फिर मीठा मीठा स्वाद आने लगता है। अगर मन है तो डाल के देखो, तुम थोड़ा सा एक चम्मच ही डालो, टेस्ट खराब नहीं करना है। मीठा मीठा पहले डाल दो, किसके ऊपर से डाल दो फिर हम डालेंगे इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है ना वो सॉस और चाहिए था, कौन सा सॉस बताओ। नहीं नहीं सोया सॉस हो जाएगा, उतना चावल ज्यादा नहीं है, सोया सॉस जितना डालिए उसी हिसाब से। अरे तो मैं तुम किट्टू थोड़ा सा रख देंगे, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ पापा भी खाएंगे, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा बाहर निकालो, बंद करो, फ्रिज खुला रहता है क्या। बस नहीं, अभी ज्यादा चावल है ना, उतना लग जाएगा सूची, अभी काला हो गया। अब डालोगी तो पूरा वो हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। गरम है, तो यहाँ सूची बना रही है, देखिए अब उसमें चावल डाल रही है। चावल डाल के बस उसको मिक्स करेगी। और सेजवान अब क्या डालने वाली हो, सेजवान चटनी इसके बाद। हाँ। नमक सफिशियंट है उसमें जो डाला है तुमने, कि कम डाला है नमक। नमक तो मुझे भी लग रहा है कि कम डाला है तुमने उसमें, सफिशियंट नमक नहीं है। हाँ वेजीज के लिए डाला था बस, अभी और कितनी हो चाहिए, और थोड़ा डालो, नहीं फिट हो जाएगा, मैं चला दूंगी मम्मी। अरे और थोड़ा डालो यार, हाँ मैं चला दूंगी। और सब डाल दूंगी। हाँ डालो ना, आई डोंट थिंक होगा। नहीं इतना छोड़ दो, बस उतना डाल दो, सफेद रही हूं मैं, इतना छोड़ दो, उतना डाल दो। अरे तो तीन लोगों के लिए होना भी तो चाहिए ना, कढ़ाई थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, एक कढ़ाई तो ईश्वरी के यहाँ चला गया मेरा, वो का ब्लैक वाला जो बड़ा वाला था, कढ़ाई नहीं था वो भगवाना टाइप का था ना, थोड़ा सा दूध वाला, तो नहीं दिया अभी तक, उनके यहाँ एक ढक्कन और वो दोनों है। तो यहाँ सूची अब सेजवान चटनी उसमें डालेगी, और बस सेजवान राइस तैयार, फिर हम खाएंगे सूची के हाथ का बना हुआ सेजवान
राइस। अब देखिए इसमें पड़ रहा है सेजवान चटनी, दोनों पैकेट डाल देने वाली हो? ऑफ कोर्स, आई वांट इट स्पाइसी। ऐसे मुझे शेजवान चटनी इतना पसंद नहीं है, जो चाइनीज वो लोग बनाते हैं ना वो ज्यादा अच्छा होता है। बट वी हैड नो अदर ऑप्शंस, तो हमको इससे काम चलाना पड़ेगा। सीजर कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। तो ये शेजवान राइस तैयार है। किट्टू रहता तो अपना दीदी को चिढ़ाता, वो गया हुआ आज फाइनल मैच है देखने के लिए। देखने के लिए तो गया खुद। अदरक लहसुन सब मैंने काटा, कैप्सिकम गाजर सब मैंने काट के रखा है, हाँ, और स्प्रिंग ऑनियन भी मैंने काट के रखा, चावल भी मैंने बनाया, सब मैंने किया। सिर्फ वो बस ऐसे ऐसे चला के चटनी पटनी डाल दी, हो गया। और यहाँ देखिए सूजी की बनाई हुई सेजवान राइस तैयार हो गई। मैंने उसको चला दिया, उससे चल नहीं रहा था। और यहाँ कुछ बोल रही है, फिर वही वॉइस वाली प्रॉब्लम, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और वो बता रही है कि बन गया और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, इसमें फूड कलर डालती तो और ज़्यादा कलर अच्छा आता, लेकिन नहीं, ऐसे भी सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी, और टेस्टी भी हुई थी काफ़ी, खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। तो यहाँ सूची का खाना निकाल दी थी मैं, और वो अपना खाना लेके लंच लेके जा रही थी खाने के लिए। और तो गाइस पूछते हैं सूची से, उसने खुद बनाया और कैसा बनाए खा के वो बताए कि कैसी बनी है सेजवान राइस उसकी, कैसी बनी है? लेट मी ट्राई, बताओ। अच्छी बनी है सच में, या खुद बनाया इसलिए तारीफ हो रही है? अब मैं खाती हूँ तो फिर आप लोगों को रिव्यू देती हूँ। एक इसमें शेजवान चटनी थोड़ी कम है, क्योंकि अदरक लहसुन पहले डाला था ना, तो अदरक लहसुन का फ्लेवर पूरा आ रहा है। यम्मी लग रहा, डन। तो चलिए, आपको अगर मेरा ये चैनल ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेटा है नहीं, शाम तक साथ आएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और रेसिपी जरूर फॉलो करना, सूची के सेजवान राइस का एकदम शॉर्टकट रेसिपी है, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।